आखिर काशवी की माँ कौन है? ये क्वेश्चन एपिसोड 1 एंड एपिसोड 2 में हम फैंस के मन में आ जरूर रहा होगा और कई लोगों ने इस क्वेश्चन को जरूर इग्नोर किया होगा। पर्सनली अगर मुझसे पूछो तो मैंने भी इस पर कुछ ज्यादा ध्यान नहीं दिया था क्योंकि मुझे जरूरी नहीं लगा। बट जब एपिसोड 3 में काशवी की मॉम को इंट्रोड्यूस कराया गया तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई, बिकॉज काशवी की मॉम और कोई नहीं बल्कि द्वेर है। जो लोग द्वेर को नहीं जानते तो मैं उनको बता दूं कि द्वेर अखिल की वफादार एंड अखिल के सबसे क्लोज वॉरियर्स में से एक है। एपिसोड 3 अब रिलीज हो चुका है और एपिसोड 3 में 3 बहुत बड़े क्वेश्चन हैं जो कि मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। फर्स्ट तो ये कि द्वेर काशवी के पिता से कैसे मिली, सेकंड कि बालवीर क्या काशवी को बचा पाएगा, एंड थर्ड कि क्या महाजादू काशवी को भस्म कर देगा जैसे सेकंड एपिसोड में इन दोनों को भस्म किया था। बट उससे पहले यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो क्योंकि मेरी 99 ऑडियंस मेरी वीडियो को वॉच तो कर रही है पर सब्सक्राइब नहीं कर रही, तो यार सब्सक्राइब कर दो यार। तो पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि द्वेर काशवी के पिता से कैसे मिली। तो शो में इसका प्रॉपर आंसर तो नहीं दिया गया है और जितना शो से मुझे पता चला है उस हिसाब से द्वेर पृथ्वी लोक पर किसी मिशन के लिए जाती है एंड उस दौरान काशवी के पिता द्वेर को प्रपोज कर देते हैं और इन दोनों में प्यार हो जाता है जिस वजह से इनकी एक बेटी होती है, जिस कारण द्वेर को बीच बीच में हिमबास लोक से छुपकर पृथ्वी लोक में जाना पड़ता है और वो ये राज अखिल से 22 साल तक छुपा कर रखती है। एंड सेकंड क्वेश्चन पे बात करेगी क्या बालवीर काशवी को बचा पाएगा, क्योंकि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि बालवीर को खतरा महसूस हो गया था और वह उसी तरफ आ रहा था जहां पर अखिल ने काशवी को एंड उसके माता पिता को पकड़ रखा था। तो मुझे नहीं लगता कि बालवीर काशवी को बचा पाएगा क्योंकि नेक्स्ट प्रोमो में हमने देखा था कि काशवी हिमबास लोक में है, मतलब कि नेक्स्ट एपिसोड में जैसे ही बालवीर वहां तक पहुंचेगा जहां अखिल है तब तक अखिल सभी को लेकर हिमबास लोक पहुंच जाएगी। एंड थर्ड क्वेश्चन पे बात करेगी क्या काशवी को महाजादू भस्म कर देगा, तो वेल मुझे नहीं लगता कि काशवी को महाजादू भस्म करने वाला है क्योंकि हमने नेक्स्ट प्रोमो में अखिल के मुंह से यह सुना था कि काशवी के शरीर ने महाजादू को अपने अंदर ही एब्जॉर्ब कर लिया है, मतलब कि सारा का सारा महाजादू काशवी की बॉडी के अंदर है जिस वजह से अखिल बहुत ही परेशान है कि वह इस महाजादू को कैसे निकाले काशवी के शरीर से। अब ये मुझे नहीं पता कि काशवी के शरीर ने कैसे उस महाजादू को अपने अंदर एब्जॉर्ब किया, वो तो भाई हमें नेक्स्ट एपिसोड देखकर ही पता चलेगा। तो यार ये था मेरा रिव्यू कि मुझे कैसा लगा और क्या चीज़ मुझे इसमें बुरी लगी, क्या चीज़ मुझे अच्छी लगी। बाय द वे सभी के ओपिनियन अलग अलग होते हैं तो आप अपने ओपिनियन कमेंट में जरूर बताना कि आपको बालवीर 3 कैसा लग रहा है। एंड यार मैं बालवीर की हिडन डिटेल वाली वीडियो भी लेकर आने वाला हूं, तो अभी से सब्सक्राइब कर देना और वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। तो तब तक के लिए यार मिलता हूं किसी और वीडियो में, एंड तब तक के लिए बाय बाय।